ये तस्वीरें हैं ब्राजील की रियो डी जेनेरियो शहर की, जहां कोरोना महामारी के बावजूद लॉकडाउन में ढील दी गई है। समुद्री तटों को जहां पूरी तरह से खोल दिया गया है, वहीं शॉपिंग मॉल, बाजार, रेस्टोरेंट और बार भी खोलने की इजाजत दी गई है। शुक्रवार को लॉकडाउन में मिली ढील के बाद दुकानदारों ने जहां तुरंत अपनी दुकानें खोल ली, वहीं शाम होते होते रेस्टोरेंट और बार भी गुलजार हो गए। वहीं दोपहर में समुद्री तटों पर भी बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। रियो प्रशासन का दावा है कि कोरोना संक्रमण के कम होते मामलों को देखते हुए लॉकडाउन में ढील दी गई है। हालांकि यहां अभी भी अस्पतालों के आईसीयू मरीजों से पूरी तरह भरे हुए हैं, जबकि अस्पतालों में भर्ती होने के लिए मरीजों को कई कई दिनों तक इंतजार भी करना पड़ रहा है। बावजूद रियो प्रशासन ने लॉकडाउन में ढील दी है। प्रशासन की ओर से जारी नई गाइडलाइंस में बस घर से बाहर निकलने पर मास्क पहनना अनिवार्य किया गया है। लैटिन अमेरिका के सबसे बड़े देश ब्राजील में अभी भी कोरोना वायरस से कितने बड़े पैमाने पर तबाही हो रही है, ये इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि महज एक दिन में ही 3,647 लोगों की मौत हुई है, जबकि 80,000 नए लोग कोरोना की चपेट में आए हैं। संक्रमण रोग विशेषज्ञों का कहना है कि ऐसे में रियो शहर में लॉकडाउन में ढील विस्फोटक कदम हो सकता है। बता दें कि दुनिया में कोरोना महामारी से अमेरिका के बाद ब्राजील में सबसे ज्यादा तबाही हुई है। यहां अब तक करीब 3.5 लाख लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 1,33,00,000 से ज्यादा लोग कोरोना की चपेट में आए हैं।